लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास अपना 23वां स्थापना दिवस मना रही है और इस मौके पर चिराग पासवान ने केक काटकर जो पार्टी का 23वां स्थापना दिवस है वो मनाया और सीधे तौर पर ये संकल्प लिया है कि बिहार में हम अपनी सरकार बनाएंगे, बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट की जो सोच है उसके साथ हम आगे बढ़ेंगे और बिहार में सरकार बनाने पर काम करेंगे। 23वें स्थापना दिवस के अवसर पर चिराग पासवान ने संकल्प लिया है, क्या कुछ कह रहे हैं चिराग पासवान स्थापना दिवस के मौके पर, पहले आप वो सुने। मंत्री जी के पास एक उचित प्लेटफॉर्म है इन विषयों को उठाने का। नीति आयोग की जब बैठक होती है उसमें तमाम प्रदेशों के मुख्यमंत्री जाते हैं और ये सही प्लेटफॉर्म है जहां पे आप इन तमाम बातों को उठा सकते हैं। आप जगह जगह घूम के विशेष राज का दर्जा, विशेष राज का दर्जा जब आप होते हैं साथ में तब आपको विशेष राज के दर्जे की याद नहीं आती, जैसे ही आप अलग होते हैं आपको विशेष राज का दर्जा याद आता है। क्यों नहीं उस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया जाता, क्यों बहिष्कार करते हैं मुख्यमंत्री, क्यों नहीं जाते हैं भैया उस बैठक में, जाएं, वो एक अधिकृत प्लेटफॉर्म है, वहां पे जाकर विशेष राज के दर्जे की मांग करें। आपको केंद्र सरकार से कहां कहां सहायता नहीं मिल रही है या कहां सहायता की आप उम्मीद रखते हैं, ये तमाम बातें उस मंच पर आप रख सकते हैं, पर उस वक्त मेरे मुख्यमंत्री राजनीति करते हैं और ये राजनीति ही कारण रहा है कि आज तक बिहार को अपने अधिकारों से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी वंचित रखते आए हैं। तब ऐसे प्रश्न उठते हैं। एक बात स्पष्ट कर दूं, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अस्तित्व को बड़ी बड़ी शक्तियां नहीं मिटा सकी। इतनी विपरीत परिस्थितियों में भी जब लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अस्तित्व को कोई नहीं मिटा पाया तो पार्टी का किसी भी पार्टी के साथ विलय करने की सोच भी असंभव है। सीधे तौर पर चिराग पासवान ने आगामी चुनाव में किस तरीके से जीत हासिल की जाए और बिहार में किस तरह से सरकार बने कहीं ना कहीं इस पर जोर दिया और सीधे तौर पर कहा है कि आगामी जो चुनाव होगी, लोकसभा हो, विधानसभा चुनाव हो, इन तमाम चुनाव में हम हमारी सोच के साथ आगे बढ़ेंगे और बिहार में किस तरह से हमारी सरकार बने इस पर ध्यान दिया जाएगा। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे दैज न्यूज़ के साथ और देखते रहे दैज न्यूज़।